प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न अंग भाजपा विशेष तौर पर प्रधानमंत्री को अपना निशाना बना रहे हैं। इस कड़ी में आज महिला कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन निकाला और भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा कि सहारा व बिरला औद्योगिक घरानों से करोड़ों रुपए लिए जाने के मामले में वे सफाई दें। उल्लेखनीय है कि मेहसाना की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया था और तभी से देश भर में कांग्रेस ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के ईमानदारी के दावों को आडंबर बताया। जो नरेंद्र मोदी जी को भुगतान हुआ है सहारा और बिरला ग्रुप की तरफ से आईटी के माध्यम से जो रेड हुआ और मेल के थ्रू पता लगा है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने 25 करोड़ रुपया बिरला से लिया और सहारा ग्रुप से 40 करोड़ 10 लाख रुपया लिया है। और मैं ये समझती हूँ कि आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो देश को इसका जवाब दें, क्योंकि मोदी जी कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और आज आप देख रहे हैं कि इस असली मुद्दों से लोगों को भटकाकर वो इस देश को गुमराह नहीं कर सकते। आज जनता इस बात का जवाब चाहती है।